उर्दू की हम सवाल जवाब की रखते हैं जी, तो अक्सर उर्दू उठती चलती रहती है जी, इसको फ्रेंच में क्यों ना बदल दें? फ्रेंच में आपने इतवार को जो फ्रेंच में तब्दील किया जी, जी। उसकी बजाय इसको फ्रेंच में तब्दील, आज नहीं आगे से जी जी, अच्छा मुस्तकिल जी फ्रेंच के रखें, अच्छा क्यों? ठीक है, उर्दू सवाल जवाब तो अक्सर जी होते रहे हैं, होते रहते हैं। ठीक है, अगर लोगों के उर्दू सवाल हुए जी तो उसको फ्रेंच मीटिंग में डाल देना जी। ठीक है, ठीक है, शुरू करें। सूरह चार दोस्त इस सवाल जवाब के लिए मदऊ किए गए हैं। पहले नंबर पे हैं मुकर्रम वसीम अहमद साहब नासिर, ये मुकर्रम सईद अहमद साहब नासिर मरहूम फैसलाबाद के बेटे हैं। अच्छा, अपने वक्त में कायद जिला और कायद शहर रहे हैं। सब ये खुद भी कायद जिला और कायद शहर रहे। सईद साहब जो हमारे यहाँ हैं चौधरी साहब, मकसूद साहब, मकसूद साहब उनके भाई, उनके भाई थे। हज़ूर, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में जमात इस्लामी कुछ नौजवानों को जिनका तल्लुक गरीब तबके से होता है उनको कश्मीर के महाज पर भेज देते हैं, और वो दो तीन चार माह के बाद देखा है कि उनको गोली लगने के बाद वो फौत हो जाते हैं। वो कहते हैं ये शहीद है, तो इस बारे में पूछना था कि कहें दें उनको उसमें क्या है? पाकिस्तान में जमात इस्लामी, मैं समझ गया हूँ जी, उनको कहने दें शहीद, आपको क्या नुकसान है इससे? लेकिन देखा है कि वो गरीब लोग बाद में बहुत रोते हैं कि हमारे बेटे को, वो गरीब रोते हों जी, तो उससे आपको क्या है ये मुझे ये बताएं, जिन्होंने अपने बेटों को जाने दिया ठीक, वो मारे गए बेचारे को, उन्हें रोना ही और क्या करना है? जमात इस्लामी जो उनको शहीद कहती है वो तो नहीं ना रोती, तो फिर तजाद ही कोई नहीं। अगर वो शहीद क्या कह के रोएं जो उनके रिश्तेदार हैं, फिर आपके नज़दीक तजाद होना चाहिए कि शहीद भी कहते हैं इतना ज़्यादा रोते हैं कि हालांकि शहादत पे खुशी भी होनी चाहिए, तो नहीं ना करते खुशी? जमात इस्लामी रोती है उनसे? दो शहीद क्या है कि खुश होते हैं कि चलो ठीक हो गया, ठीक है ठीक। हाँ, अगर सर नासिर अहमद खान साहब हैं, ये मलिक रशीद अहमद खान साहब अफसाई वाल के बेटे हैं और मजलिस अंसारुल्लाह के एडिशनल मुतमम उमूमी हैं। और मुमताज के मियां नहीं है? जरूर हैं। सवाल ये हालात अजरा पे है, आपके लिए मगरबी मुल्कों में बुद्ध मजहब के एक दावेदार जो अपने आप को लॉर्ड मेट्रिया कहलाते हैं और जिन्होंने मसीह मौत होने और तमाम मजाहब के लिए पैगंबर होने के अलावा ये दावा भी किया है कि वो जिस जगह जाहिर होता है उस जगह पानी के चश्मे फूटते हैं और उस पानी में लोगों को सेहतमंद करने या हीलिंग पावर करने की ताकत भी है और उसको सारी दुनिया को फतेह करने की पेशगोई भी है। वो ज़्यादातर गरीब और डिप्रेस लोगों को मेडिटेशन और दूसरे जराए से असरअंदाज होते हैं। हजूर, इस शख्स के दावों के मुतालिक और इसके मोटिव के मुतालिक कुछ जितने कल्स हैं आजकल बन रहे हैं ये किसी न किसी पुरानी पिछगोई वगैरह पर बन जाती हैं, कुछ दिन मर जाती हैं फिर मर जाती हैं बेचारी, कोई भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बेहकीकत बेमानी बातें हैं, कोई संजीदगी से इन कल्स को कबूल नहीं करता, ना इनकी मुखालफत होती है नबियों की तरह, ना इनका सिलसिला बाकी बचता है, कुछ देर चंद दिन ये पैसे कमा जाएंगे इसको छोड़ देंगे किसी को। काफ़ी सेंट्रल लंदन में एक जगह वो हर महीने वो रखते हैं मीटिंग कॉन्फ्रेंस रखते हैं सेंट्रल लंदन में ह्यूस्टन के पास, ठीक है, और जो काफ़ी लोग डिप्रेस वगैरह आते हैं जाने में उनको क्या फर्क पड़ता है आपको? सब मजाहब की कॉपी करके अच्छे चश्मे भी फूटते हैं, उन्हें जान करने की कोशिश करते हैं। आप चंद मरीज पे ले लें ना, देखें क्या होता है उनका ही इलाज। कई संजीदा मरीज जो आपके लंबे मरीज हों और किसी किस्म की डॉक्टरी कार्रवाई का कोशिश उनकी मददगार ना बन सके, ऐसे मरीज पकड़ के ले जाएं उनको, मित्र साहब ठीक करो उसको।
ठीक है जी। उसके साथ साथ वो ये भी दावा करते हैं कि वो मसीह मौत है और पैगंबर है सब मजाक करने गए हैं। आपको इसे क्या तकलीफ है? आप मौजूदा तौर पर जाके पूछिए तो सही, आप सही सारी बातें कर रहे हैं। मौजूद जाके पूछिए कि क्या तुम्हें खुदा ने कहा है कि तुम मसीह मौत हो? अगर अपना ख्याल है तो फिर और बात है, अगर ये कहे तो फिर वो खुदा से पढ़ के नीचे आएगा। अगर सैयद मोइन शाह साहब, ये सैयद मोहम्मद अमीन शाह साहब मरहूम मौलम इस्लाह इरशाद गुजरा के बेटे हैं और उनके दादा सैयद वलायत शाह साहब इंस्पेक्टर वसाया समूद इस्लाम के साथ थे। तो मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने कई चीज़ों को शहादत के तौर पर पेश किया है, उसने सूरज को, दिन को, रात को, आसमान को, ज़मीन को, अल्लाह ताला को ऐसी शहादतें पेश करने से क्या मुराद है और अल्लाह ताला ने ऐसी शहादतों को पेश करने की क्यों ज़रूरत पेश है? जो जगह है जहाँ पेश किया है वो बताएंगे तो फिर मैं बताऊँगा। सूरह अश-शम्स में आप मुअय्यन जगह बताएं किस चीज़ की शहादत के लिए पेश किया है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ क्यों शहादत के लिए पेश किया गया। जिस मज़मून में शहादत है उस मज़मून के जिक्र के बगैर शहादत की मैं क्या बात कह सकता हूँ? सूरत अश-शम्स में क्या जी क्या मैं आपको सूरज को, दिन को, ये चीज़ों को क्या है पूरा फिर बस सूरज को, दिन को, रात को, आसमान को, जमीन को वगैरह ये चीज़ किस चीज़ की शहादत के तौर पर? सूरत शम्स है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश-शम्स व दुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यख्शाहा वस-समाअ व मा बनाहा वल अर्दि व मा तहाहा व नफ्सिन व मा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़्वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा يزنباس عشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها। ठीक है, अब तर्जमा पर सुनाएंगे इनको। तस्वीर में तर्जमा यह है कि मैं अल्लाह का नाम लेकर जो बेहद करम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है पढ़ता हूँ। मैं सूरज को शहादत के तौर पर पेश करता हूँ और जुहा के वक्त को जब वो तुलू होने के बाद ऊंचा हो जाता है और चांद को जब वो सूरज के पीछे आता है और दिन को भी शहादत के तौर पर पेश करता हूँ जब वो सूरज को जाहिर कर देता है और रात को भी शहादत के तौर पर पेश करता हूँ जब वो सूरज की रोशनी को आंखों से ओझल कर देती है और आसमान को और उसके बनाए जाने को भी और ज़मीन को भी और उसके बिछाए जाने को भी शहादत के तौर पर पेश करता हूँ और इंसानी नफ्स को भी और उसके बेऐब बनाए जाने को भी शहादत के तौर पर पेश करता हूँ कि उस अल्लाह ने नफ्स पर उसकी बदकारी की राहों को भी और उसके तकवा के राहों रास्तों को भी अच्छी तरह खोल दिया है। बस जिसने उस नफ्स को पाक किया वो तो समझो कि अपने मकसूद को पा गया और जिसने उसे मट्टी में गाड़ दिया समझ लो कि वो नामुराद हो गया। समूद ने अपनी हद से बड़ी हुई सरकशी क्या निकाला है? इन सब चीज़ों को शहादत के तौर पर पेश करता हूँ किस गरज से? गरज बयान फरमाइए, पढ़ें ना कि उस अल्लाह ने नफ्स पर उसकी बदकारी की राहों को भी और उसके तकवा के रास्तों को भी अच्छी तरह खोल दिया। अब बात यह है सूरज और रोशनी और फिर अंधेरे का उसके बाद आना, ये सारा निज़ाम है जो बतौर शहादत के पेश किया गया है कि खुदा तआला ने जिस तरह इस